एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के लिए किस तरह का स्क्रू इस्तेमाल करें। दोस्तों, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है जो हर जगह उपलब्ध तो होगी पर उसकी तकनीक अलग अलग है। कुछ लोग आपको इंटरनल ब्रेस नाम से एक तकनीक एडवाइस करेंगे, कुछ लोग आपको बायो स्क्रू एडवाइस करेंगे, कुछ लोग आपको टाइट्रोप और एंडो बटन एडवाइस करेंगे और इस तरह के कई सारे आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा ऑपरेशन करवाएं। फ्रेंड, सबसे सक्सेसफुल और सबसे कारगर सर्जरी जो है वो है आपकी स्क्रू से फिक्सेशन जो हम करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास स्क्रू के ऑप्शंस कितने प्रकार के हैं और कौन सा स्क्रू हमारे लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों देखिए, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस आपको अफेक्ट नहीं करती हैं तो डेफिनेटली मैं ये एडवाइस करूँगा कि सेल्फ डिजॉल्विंग बायो स्क्रू आपको चूज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेटल का स्क्रू भी अच्छा नहीं है। मेटल का स्क्रू के ड्रॉबैक्स ये हैं कि मेटल का स्क्रू जो होता है वो टाइटेनियम का होता है तो वो मेटल हमारे कंपैटिबल है, पर उसके लूज़ पड़ने के चांसेस होते हैं, जो कि अगर कभी लूज़ पड़ गया तो आपको फिर उसको निकलवाने के लिए दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें बायो स्क्रू की, तो बायो स्क्रू आपने आज ऑपरेशन करवाया, 1.5 से 2 महीने में वो बॉडी में ही घुल जाता है, आपको दोबारा ऑपरेशन कराने की या कभी भी लूज़ पड़ने की इस तरह की समस्या नहीं आएंगी। बायो स्क्रू जो होता है वो PLLA मटेरियल का बना होता है और उसके अंदर एक जो डिजॉल्विंग कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आज ही अगर आपको ACL की समस्या है तो किसी डॉक्टर को संपर्क करें और इन स्क्रूज़ के बारे में फर्दर जानकारी लें। थैंक यू।